जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो 15 अगस्त 1947 के कुछ फैक्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि देश का 74 साल हो चुके हैं स्वतंत्र हुआ और हम लोग इंडिपेंडेंस डे भी मनाया है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के वक्त कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए, क्योंकि उनमें से एक फैक्ट ऐसा भी है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 के दिन देश तो आज़ाद हुआ था, मगर एक जिला ऐसा भी है पूरे देश में जो स्वतंत्र नहीं हुआ था, जहां के लोगों को 17 अगस्त को आज़ादी मिली थी। वो जिला कौन सा है ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। फैक्ट नंबर वन, जब 15 अगस्त 1947 को ये तय हो गया था कि देश को आज़ादी मिलेगी, तब नेहरू जी और सरदार जी ने गांधी जी को खत लिखा था। खत में लिखा था कि 15 अगस्त हमारे देश का प्रथम स्वाधीनता दिवस है, इस दिवस में आप शामिल होइए क्योंकि आप राष्ट्रपिता हैं और हमें आशीर्वाद दीजिए। फैक्ट नंबर टू, इस खत के जवाब में गांधी जी ने उत्तर दिया था कि कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान ले रहे हैं, हम उन्हें छोड़कर समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं, दंगा को रोकने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। फैक्ट नंबर तीन, नेहरू जी ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट ऑफ द डेस्टिनी 14 अगस्त मध्य रात्रि को वायसराज लॉज में दिया था। वायसराज लॉज आज के डेट में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक भाषण को पूरे विश्व ने सुना था, मगर गांधी जी उस रात 9 बजे सोने चले गए थे। फैक्ट नंबर चार, पहली बार राष्ट्रध्वज लाल किला से 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। भारत के वायसराज लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन के अनुसार 15 अगस्त को आज़ादी इसलिए मिली थी क्योंकि जापान ने 15 अगस्त को ही मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था। फैक्ट नंबर छः, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। 17 अगस्त को रेड क्लिप के द्वारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीमा निर्धारित किया गया। फैक्ट नंबर सात, देश 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हुआ था, मगर उसका कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। 1911 में राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन लिख दिया था, जिसे 1950 में राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। फैक्ट नंबर आठ, 1947 में ₹1 $1 के बराबर था और सोने की कीमत 88.62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। फैक्ट नंबर नौ, भारत के अलावा 15 अगस्त को और तीन देशों को आज़ादी मिली थी। ये देश थे साउथ कोरिया, कांगो और बहरीन। 15 अगस्त 1945 को साउथ कोरिया को जापान से आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1960 को कांगो को फ्रांस से आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त 1971 को बहरीन को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। फैक्ट नंबर 10, जो सबसे ज़्यादा डरावना है, 1947 15 अगस्त की रात पूरा देश तो आज़ाद हो गया, मगर पश्चिम बंगाल के मालदा और नदिया जिले के लोगों को ये नहीं पता था कि ये जिला भारत में ही है या पाकिस्तान में चला गया। रेडियो पे चूंकि साफ साफ नहीं सुना जा सका था और मालदा जिला के कलेक्टर ऑफिस में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया था, जिसकी वजह से डर का माहौल बन गया था और दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन ये कोई राजनीतिक निर्णय नहीं था बल्कि एक मैप का गलती था। इस गलती को रेड क्लिप ने लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे सुधारा, जिसे सुधारते सुधारते 17 अगस्त का तारीख आ गया। अब 17 अगस्त के दिन पता चला कि मालदा और नदिया जिला भारत में ही रहेंगे, तब जाकर वहाँ के लोगों ने 17 अगस्त के दिन आज़ादी का जश्न मनाया। ये 10 फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं जो 15 अगस्त 1947 से जुड़े हैं। ये फैक्ट आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स, जीके और न्यूज रिलेटेड जानकारियाँ आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।